और मेरा एक ये भी सवाल था कि जैसे खतरों के खिलाड़ी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक चीज सुनने में आती है कि भाई स्टंट करना है, उसके हाँ अलावा दूसरा कुछ होना नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि खतरों के खिलाड़ी देख रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो कट्टू में डायरेक्ट जिस जो बात मैं करना चाहता हूँ उस पर आता हूँ, आसिम रियाज और रोहित शेट्टी के बारे में जो भी चीजें हुई उस पर ऑलरेडी आपने बहुत सारी बातें करी हैं। लेकिन एक एक क्लिप हमने देखा कि आसिम रियाज जो है रोहित शेट्टी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और पलट के अभिषेक के साथ उनकी कुछ अनबन होती है। तो ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि भाई ये स्क्रिप्टेड था, ये हाइप देने के लिए था। तो क्या खतरों के खिलाड़ी में कोई चीज स्क्रिप्टेड होती है कि ये हो जाता है हिट ऑफ द मोमेंट, ये फाइट हो गई अचानक? या देखो, खतरों के खिलाड़ी में कोई चीज स्क्रिप्टेड होती है एक्सेप्ट द स्टंट्स, नहीं। ठीक है, स्टंट्स का लाइनअप होता है, ठीक है। हर शो को बनाने वाला इंसान जब उसमें कुछ किरदारों को डालता है, उनको ब्रीफ जरूर किया जाता है कि हम ये बना रहे हैं, हम आपसे एकदम ये एक्सपेक्ट करते हैं, या आप ये लेकर आएंगे, आप क्या लेके आएंगे, आप क्या नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, एक ये डिस्कशन जरूर होता है। क्योंकि आज मैं अगर शो बना रहा हूं और मैं 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ उस शो पे और मैं 12 लोगों को लेके आ रहा हूँ, तो मैं जरूर उनसे बात करूंगा, भाई तू क्या लाता है टेबल पे, तू क्या नहीं लाता है टेबल पे, तू क्या करेगा, तू क्या नहीं करेगा, ऑल ऑफ दैट आई विल टॉक अबाउट इट, राइट। एकदम अब सो एक्सेप्ट दैट नथिंग स्क्रिप्टेड, ठीक है। सिचुएशंस क्रिएट होना, हीट ऑफ द मूवमेंट क्रिएट होना, वो इंसान के ऊपर डिपेंड होती है। सिचुएशंस हमारी लाइफ भी हमारे सामने फेंकती है। फैक्ट एक्सीडेंट होता है, एक इंसान गाड़ी से बाहर निकाल के तेरी माँ की तेरी बहन की करता है, एक इंसान गाड़ी से बाहर निकाल के उसको उठाता है, बोलता है आई एम रियली सॉरी, आपकी क्या मैं एक थोड़ा सा टॉपिक से डिबेट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली कल ना मैं एक ले लाइव वो मैं एक लाइव करने वाला था, मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं एक इवेंट के लिए आया हुआ था। मैं 2 दिन से ना पता नहीं कैसे हो रहा है यार, ये रात के समय ना व्हेन आई एम ड्राइविंग आई सॉ 2 एक्सीडेंट्स, ठीक है। वन आई सॉ देयर वाज अ बाइक, दो लोग जा रहे थे ऐसे डिवाइडर की तरफ गए, मुझे लगा शायद डिवाइडर से कैसे लोग रॉन्ग साइड जाते हैं, यू टर्न हाँ मार के जा रहा होगा, भाई वो ऐसे गया मेरे सामने एंड वो दोनों उड़ रहे हैं हवा में भाई साहब, और वो गिरे। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई गाड़ी रोक एक बार देखते हैं, गाड़ी रोक एक बार देखते हैं, कहता भाई गाड़ी मत रोक, ये दिल्ली है, यहाँ पे तेरे ऊपर इल्जाम लगा देंगे और कुछ नहीं होगा। अब मैं दिल्ली में रहता नहीं हूं तो मुझे नहीं पता बिल्कुल और मैं किसी बिल्कुल को फोर्स नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कल की बात, कट टू कल, आई वॉज अलोन नाउ बिकॉज ऑफ वॉट हैपेंड डे बिफोर। कल आई वॉज अलोन, मेरे सामने एक गाड़ी जा रही थी, हमें लेफ्ट जाना था, ठीक है। हाँ अब वो गाड़ी ऐसे गई, उसको भी लेफ्ट जाना था मगर उसने बहुत एंड में लेफ्ट का इंडिकेटर भी नहीं दिया, उसे काटने ओके, लगी मतलब गाड़ी, ठीक है। अब डायरेक्ट यहां डाल से, दिया। हाँ डायरेक्ट डाल दिया। अभी यहां से एक स्कूटर पे एक लेडी और एक और उसके सामने शायद उसके हस्बैंड थे, वो जा रहे थे, भाई उसने धीरे धीरे ही काटी मगर शायद वो तेज होंगे तो उसको गिरा दिया उसने, अच्छा गिरा के ना उसने धीरे धीरे गाड़ी आगे करी। मैंने कहा गिरा दिया, अब रोकेगा देखेगा कुछ उठाएगा तो करेगा, भाई वो भागा 100 की स्पीड में, मैंने उसके पीछे गाड़ी भगाई एंड आई लॉस्ट हिम, ठीक है। एंड वहां से मेरे घर का रास्ता, बहुत मतलब जिस फ्रेंड के यहाँ मैं रुका हूँ, मेरे फ्रेंड के घर का रास्ता वाज लाइक 20 मिनट्स, एंड इन द होल जर्नी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या हो गया है, मतलब क्या हो गया है, बिल्कुल समझ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों क्यों हम लोग किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए और सिर्फ इट्स सैड यार, इट्स सैड, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। तो जब मुझे वो, जैसे मैंने, खैर कट टू यू टॉकिंग अबाउट आसिम एंड एवरीथिंग, अभी मैंने रिसेंटली जो इंटरव्यूज दिए, आई हैव ऑलवेज सेड वन थिंग अबाउट आसिम, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, He was. ही वॉज, आई विल नॉट डिनाई दैट फैक्ट, ही गुड लुकिंग गाय, बट वो खुद से हार गया है।
आप थोड़ा इसको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा खुद इसको से अगर मैं डिटेल आइडिया। में बोलूंगा तो क्या होता है ना, एक इंसान का एक नेचर होता है, वो अगर उसमें लाइफ हमें कहती है कि आप लाइफ के साथ चेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते जाओ, चेंज यस थोड़ा सा करो, अपने अंदर लाओ, चेंज इज द ओनली 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 कॉन्स्टेंट। ओनली यस, है ना। तो इसे बोलने के लिए नहीं बोला जाता है ना। आसिम आई थिंक ही इज ग्रेटफुल इन हिज ओन वे दैट ही हैज सच अ ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड ही इज लव्ड बाय मासेस बिल्कुल एब्सोल्युटली, हाँ, एंड आई लव देम ऑल एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑल टू लव हिम, एंड आई हैव नो एंगर अगेंस्ट देम और आसिम। और आई वॉज वेन आई लाइक जब वो सिचुएशन मेरे सामने हो भी रही थी तो भी मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अगर आपने शो देखा होगा तो आपको दिखेगा वो एक एडिट में स्मॉल पीस की, आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाई इज दिस हैपनिंग। मैंने एक अली गोनी का एक इंटरव्यू देखा था, अली गोनी ने बोला कि हमने इससे पहले वाला सीजन किया था उसमें भी दो जनों की लड़ाई हुई थी और बाकी लोगों ने छुपा दिया था तो फिर शांत हो गया था मामला। आई एग्री विद हिम, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। मगर अगर सभी लड़ रहे हैं आपस तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और एक एक बात ये भी इस बार सामने आई सोशल मीडिया पे कि आसिम को जानबूझ के कुछ लोग पोक कर रहे थे और उसकी वजह से आसिम इतना ज्यादा हाइपर हो गए और उसी के चलते उनका इस लेवल का गुस्सा सबको देखने को मिला। प्लस ये भी चीज सामने सुनने में है कि आसिम का घमंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शो से बड़ा आसिम का घमंड है कि भाई बोल रहा है कि मैं 10 साल बाद भी आऊंगा तब भी मेरा इतना ही बस होगा, आप लोगों को जो हाइप मिली है वो मेरे वजह से मिली है। मतलब एक शो से बड़ा आप अपने आप को मान रहे हो, खास करके एक ऐसा शो जिसने शायद आपको दोबारा से मौका दिया, अगर आप किसी भी वे से देखें तो आपको मौका दिया दोबारा आने के लिए, भले आप कह लें कि आई वॉज फॉर द फैंस, आई वॉज हियर और कुछ भी बोल ले, बट एट द एंड आपको मौका दिया गया है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वहां पे आपने ये प्रूव किया कि एक शो, मतलब एक आप, आपका जो घमंड है वो एक शो से बड़ा है, ये भी बातें सामने आई। तो ये क्या लगता है आपको इस बारे में? यार मैं ना ऐसी बातों पे ना थोड़ा सा ओपिनियनेटिव नहीं होता हूँ, मतलब मैं ऐसी बातों पे अपना ओपिनियंस नहीं देता हूँ, बिकॉज आई फील ऑनेस्टली ऑडियंस इज द बेस्ट जज। वहां पे मेजर मेजर गेम होती है, मैं ये बात बोलना चाहूंगा, एक एडिटर की। ये एक एडिटर आपको कितनी फुटेज दिखाता है बिल्कुल जिसमें कौन खुदा और कौन सी कहलाता है, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है ना। मैं समझ गया आपकी बात। बस मैं यही बोलना चाहूंगा। अब उसके अलावा क्या होता है, बट ग्लैडली हमारे शो में भी ना, मैं फक्र से कहता हूं कि हमारे शो में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ यार, क्योंकि बैंटर ना यार दोनों साइड से चल रहा था, ठीक है, बैंटर दोनों साइड से चल रहा था कि जैसे आसिम भी इन लोगों के साथ बोलचाल कर रहा था, ऐसे इनकी खींचतान ले रहा था, और हम जैसे दिल्ली की भाषा में बोलते हैं कि आप एक दूसरे की ले रहे हो हंसी मजाक में, बिल्कुल बिल्कुल यू आर जस्ट पुलिंग लेग। पर वो आई थिंक दोनों ही साइड से ना थोड़ा सा एक रूट करता जा रहा था इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन। ओ इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इससे बदला लूंगा, ओ इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इससे बदला लूंगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी, है ना, दैट्स व्हाट आई कुड सी, कि वो शायद रूट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गुबार फटेगा पूरा वैसा भरते होगा, भरते भरते जा रहा है पूरा वो। भरता जा रहा, भरता जा रहा, भरता जा रहा है। तो वो वही हुआ कि अब वो किसी पे स्पेसिफिकली नहीं फटा, वो वही हुआ कि अब उससे वो स्टंट नहीं हुआ, वो स्टंट नहीं हुआ तो वो स्टंट करने से जाने से पहले उसने मुझसे भी बोला यार ये स्टंट इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाना चाहिए था। मतलब उसने ये बात इन जनरल बोली हाँ विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैंने कहा हो जाना चाहिए था, मतलब आई हैव अ लॉट टू लर्न, आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न, मगर अगर ये हो गया तो मतलब आशीष अपनी ट्रेनिंग में 100 चीजें और डाल भाई, तैयार कर अपने आप को, और समझ रहे हो आप, विच इज अ ग्रेट सही थिंग। तो अब भाई आसिम भी चढ़ा ऊपर, वो भी 10 मिनट टिका रहा, ही वॉज फाइटिंग, ही वॉज पुशिंग इट हार्ड, एंड ही इज आई वुड से ही इज स्ट्रॉन्गली बिल्ड गाय, ही इज अ बीफ यस मस्कुलर मैन। हाँ बट ही कुडंट डू इट, इवन रोहित सर पुश्ड हिम नीचे से, रोहित सर ने बोला, देन ऊपर से ही स्टार्टेड गिविंग एक्सप्लेनेशन कि ये नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है सर, यहां से छोड़ूंगा वहां जाऊंगा गिर जाऊंगा एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद
सर शोड अ फुटेज जिसमें वो हो सकता था, हाँ ऑब्वियसली वो बिकॉज वीडियो दिखाया गया था सही। ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली बिकॉज कोई भी स्टंट ऐसे ही नहीं क्रिएट किया जाता है, स्टंट क्रिएट किया जाता है तो वो हो सकता है इसलिए क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल तो उसमें भी जब उसने सर ने बताया कि ये हो सकता है एंड तो वो आई थिंक उसको पुश कर गया, वो उसको ट्रिगर कर गया, वो एक ट्रिगर पॉइंट था, उसको लगा कि सब उसको ना नीचा दिखा रहे हैं, सब उसको पुल डाउन कर रहे हैं, सब उसके अगेंस्ट हैं, कोई उसके साथ नहीं है। तो इज लाइक मैं अच्छा नहीं बनूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, गो डैश योरसेल्फ, है ना। एंड देन उसके बाद की स्टोरी हम सब ने देखी है। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, खतरों के खिलाड़ी के जर्नी के आपके बारे में ही बात करूंगा, एक चीज मेरे को जाननी है दिल से, रोहित शेट्टी सर से आपने क्या सीखा पूरे शो के दरमियान, आप जितने भी समय थे। यार ये बात ना मैंने जर्नी में भी बोली है, तो मैं रोहित सर से प्यार करता हूँ बिकॉज वॉट ही डज फॉर सिनेमा, वॉट ही ब्रिंग्स आउट फ्रॉम हिज एक्टर, यस है ना। जैसे कि जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार के सेट पे, एंड उसके साथ मैं एक ऐसा ऐड करना चाहूंगा बिकॉज अब यू ऑलवेज लुक अप टू, लुक अप एट समवन की नॉट बिकॉज ऑफ हिज बैंक वैल्यू और बिकॉज ऑफ हिज ईयर्स इन द इंडस्ट्री, येस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज ईयर्स इन द इंडस्ट्री, एंड ही इज अ मेच्योर मैन। हमें शुरू से यही सिखाया गया हमारे घरों में कि अपने से बड़ों की इज्जत करो भाई, तो पहली इज्जत तो वही आती है ना, कि वो हमसे बड़े हैं। दूसरी इज्जत ये आती है कि वो हमसे बड़े हैं इस इंडस्ट्री में। तीसरी इज्जत ये आती है कि जिस इंडस्ट्री में आप पैदा हो रहे हो, लाइक यू आर, यू वॉन्ट टू बी बॉर्न इन दैट इंडस्ट्री ना, यू वॉन्ट टू बी लॉन्च इन दैट इंडस्ट्री, तो वो आपको पैदा करने वाला वो इंसान वैसा है। ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिनको मैं चाहता हूँ जो मुझे कोई ना कोई दिशा या 70 mm पे कभी लॉन्च करे या कभी मैं उसकी फिल्म में आऊँ, मैं ऐसा देखता हूँ अपने आप, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, है ना, बिल्कुल है ना। तो वो मेरा विजन है, वो मैं चाहता हूँ। बट द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम इज ही विल नॉट मिक्स और ही विल नॉट गिव फॉल्स होप्स एंड ही विल नॉट से अरे तू बहुत अच्छा है यार तू आके मुझसे ऑफिस में मिल। फॉल्स होप्स में वो इंसान काम नहीं करता, सबसे पहली बात। ही इज जेन्युइन, मुझे आज भी पता है इस बात का कि सर ने मुझे इतना अच्छे से देख लिया, इतना अच्छे से भांप लिया कि अगर उनकी उनके आगे आने वाली फिल्मों में या आगे कोई भी आने वाले काम में मेरी जरूरत होगी तो आई विल गेट अ कॉल फ्रॉम हिम, आई नो दैट। आई प्रे कि आपको काम मिले, मैं देखना चाह रहा हूँ हाँ आपको जनरली। हाँ थैंक यू सो मच यार, मैं खुद अपने आप को वहां देखना चाहता हूँ। और मैं ये भी आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ सबसे, मतलब जैसे आपने टास्क किया और पूरे टाइम आप बोल रहे थे ओम नमः शिवाय और वो चालू था, जबकि सांप से आपको डर भी दिखा और पता वो सारी चीजें थी, लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ तो भाई सबसे पहले तो यार मैं खुद दिल पे पत्थर रख के ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जब देख रहा था बहुत हर्टफुल लगा कि यार आशीष भाई बाहर हो गए, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन जिसको शायद अपने ऊपर कंट्रोल था हर चीज पे, मैं बोल रहा हूँ चाहे वो माइंड हो या जुबान हो, हर चीज पे कंट्रोल था और आपने उस तरीके से गेम खेला भी। तो लेकिन जब पता लगा, भाई मैं जेन्युइनली ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, 9 सेकंड का गैप कितना बुरा लग रहा है। यार तीन बातें बोलूंगा। एक, जब मैं शो में आया ना, मैं सिर्फ एक ही चीज मांगी थी ऊपर वाले से कि मुझे मेरे अंदर जितना प्यार है ना वो मैं शो को दूं, और जितने लोग काम करने वाले हैं ना इस शो में वो मुझे प्यार करें, ये मैंने मांगा था, हाँ जी ठीक है। और भगवान की दया से वो मुझे मिला है, और मैं ये बात दिल ठोक के चौड़े में बोलता हूँ कि मैंने सच्चे दिल से इस शो से प्यार किया, और जितने लोग हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द हायरार्की एंड द होल टीम ऑफ खतरो, आज भी वो जब मुझे मिलेंगे ना दिल हग मी टाइट, तो मैंने वो कमा लिया, ठीक है। एंड ये बात मैं शुरू से जानता था कि खतरो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है भाई, खतरो मेरी जर्नी यस है ना। मेरी डेस्टिनेशन क्या है ये तो शायद अभी मैं भी नहीं जानता, बट विजुअलाइज करता हूँ अपने आप को हॉलीवुड में, बॉलीवुड में अच्छा काम करता हुआ,
एज एन एक्टर काम करता हुआ, है ना। तो जब मैं निकला, मैं नहीं सोचा था यार, क्योंकि आई वॉज वेरी फास्ट, आई वॉज ठीक है, और करंट का लेवल बहुत हाई था, आई एम नॉट जोकिंग। लोग पूछते हैं कि करंट लगता है कैसा, क्योंकि आप, क्योंकि क्या है ना, कोई चीज आप अगर देख नहीं सकते, आप सिर्फ हाँ रिएक्शन पे जज कर रहे हो। अब मैं वहां पर, यार मैं इतना भी हल्का नहीं हूं कि एक करंट के झटके से, मैं हल्के के करंट से झटके से मैं गिर जाऊं बैठा बैठा, समझ रहे हो आप। बिल्कुल तो अगर आप वो वाली फुटेज देखोगे ना, लिटरली चल रहा है, मैं गिर रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मेरे अंदर से वोल्ट्स निकल रहे हैं, लाइक आई कैन स्टिल फील इट सो मच, आई नो द होल फीलिंग ऑफ इट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट, है यस ना। एंड जब वो शूट मेरा खत्म हुआ था, उसके 1 महीने तक, आई एम नॉट लाइंग, ये थंब, ये फिंगर, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली होल्डिंग इट, है ना, आप उसको कॉन्स्टेंटली पक, या तो वो जो था, ये दिस दिस सेंसेशन इज स्टिल देयर, इट्स लाउड एंड इट वॉज वेरी पेनफुल। मैं इसको आज भी अगर कितना दबा लूं, मुझे उतना दर्द नहीं होगा जितना हल्का दबाने में मुझे यहाँ पे होगा, समझ रहे। तो खतरो ब्रिंग्स ऑल ऑफ दिस टू द टेबल एंड दैट्स वी ऑल साइन फॉर, ये हमें पता यस है, सब कुछ बिल्कुल रियल सही है बात। ना। हाँ, मुझे भी कुछ बातें चुभी ही, मुझे भी कुछ बातें लगी, यार ये नहीं होना चाहिए था, यार ये होना चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था। बट द बेस्ट पार्ट पता है उसमें भी क्या निकला यार, मैं निकला ना, आज तक, अभी तक, एंड आई एम श्योर आगे तक भी, पीपल वॉन्ट टू सी मी। यस आई आई वॉन्ट टू सी यू। मैं आज ही जब मेरे टीम से बात हो रही थी मेरी, तो वही एक डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने ये भी बोला उनको कि भाई यार शिल्पा जी को भी मौका मिला और आसिम को भी मौका मिला, यार एक बार दोबारा मौका मिलना चाहिए था यार। तो वो फीलिंग था मेरे अंदर भी। और एक चीज मैंने नोटिस किया, मतलब ये आपने खुद भी बोला रोहित शेट्टी सर को, कि सर आप ना जब मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मेरा पूरा नाम लेके अप्रिशिएट करना, केदार आशीष मेहरोत्रा। तो ये इसके पीछे क्या रीजन था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिकॉज आप बहुत सारे लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया और किसी ने चीज पूछी नहीं, शायद उनको लगा कि भाई ये पूछने वाला बात नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई ये क्यों बोल रहा है कि सर मेरा पूरा नाम ही लेना अप्रिशिएट करने के समय पे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यार जब मैंने इंडिया से एक सुपरस्टार किया था ना, तो आई एम अमंगस्ट दोज लकी सन्स जिनको वो मौका मिला एक स्टेज पे, करण सर और रोहित सर। और जैसे हम लोग कभी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हाँ जब आपको अवार्ड मिलता है, आप चाहते हो ना आपके पापा मम्मी हो, और वो ना प्रिंसिपल से जब आप अवार्ड ले हो, तो प्रिंसिपल इज दैट वन मैन जिससे, जिसको आप चाहते हो कि ये मेरे पापा मम्मी को जाने, और मेरे पापा मम्मी, वो ना मम्मी जाने कि आशीष की वजह से मुझे मुझे ना वो रिस्पेक्ट और वो लव मिल रहा है ना। समझ गया। तो वो दैट आई गॉट व्हेन आई वाज इन दिस इंडस्ट्री, व्हेन आई डिड दिस शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार, बिकॉज आई आल्सो वो ना केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे नोबडी वाज सपोर्टिव ऑफ इट, कि जा रहा है, कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो उसमें जब एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे पापा मम्मी को रोहित सर ने नाम से बुलाया, करण सर ने नाम से बुलाया, मेले माय डैड एक्चुअली क्राइड, ही वाज सो हैप्पी, ओवरवेलमिंग फीलिंग थी वो मेरे लिए भी एज अ सन, है ना। तो उसके बाद तो मैंने कहा यार अब यहाँ से ना देर इज नो लुकिंग बैक, है ना। बट देन आई वॉज जॉबलेस फॉर अबाउट 1.5 ईयर्स और सो, देन आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू मेक इट हैपन, देन उसके बाद कोविड आ गया, देन आई गॉट लकी कि चल मेरे को अनुपमा मिल गया, एंड देन आई गेव इट ऑल टू अनुपमा, आई डिड माई बेस्ट, हाँ एंड देन आफ्टर अनुपमा खतरो आ गया अगेन, दैट सेम प्लेटफॉर्म जहाँ पे रोहित सर के साथ मैं वो प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास पापा का फिगर नहीं था, है ना। मेरे पास पापा थे बट पापा का फिगर नहीं था। तो मैंने कहा सर अगर, एक तो ना मैं आई एम नॉट अ इनसिक्योर पर्सन, आई एम नॉट अ पर्सन हु विल क्रेव फॉर अटेंशन एंड हु विल क्रेव फॉर सर मेरी ना आप तारीफ कर दो, प्लीज प्लीज मेरी मेरी तारीफ कर दो, है। तो मैंने उनसे बहुत जेन्यून एक बार बोल दिया, जबकि मेरे 3 स्टंट बड़े ऐसे ही गए थे। मैंने कहा सर आप जब भी तारीफ करो ना मेरी, आप तारीफ ऐसे करना कि पापा का नाम आए, केदार आशीष मेहरोत्रा, एंड आई विल फील ही स्टिल देयर विद मी,
एंड या दैट्स अबाउट इट यार, वही रीजन था। एंड वो मौके मैंने आई थिंक दिए अपने आप को, 2-3 बार दिए अपनी जर्नी में। आपको मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आपको कौन लगता है कि ये तीन नाम जो हैं वो टॉप थ्री होंगे? करण, कश्मीर एंड कृष्णा। ओके और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मतलब ऐसा कौन था जिसको शो में देख के खुद आप भी सरप्राइज हो गए कि अरे भाई, तो एक होता है ना रिएक्शन टाइप, वो अब किसको देख के आप भी सरप्राइज हो गए शो के अंदर? सरप्राइज एज इन कि वो शो का हिस्सा है या सरप्राइज एज इन द जर्नी? नहीं, शो का हिस्सा। शो का हिस्सा कृष्णा को देख के। तो जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी आई वॉज शॉक्ड, अरे कृष्णा कर रही है शो। तो आई ओनली वॉक्ड अप टू हर एंड आई टोल्ड हर दैट आई आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम एंड आई सी योर फुटेज, आई सी यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई वॉक्ड अप टू हर एंड आई टोल्ड हर दिस बिकॉज यार जिंदगी आपका एक ही है। मैं क्या ईगो रख के और क्या तेरे से ले जाऊंगा और क्या दे जाऊंगा यार। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट यार। आपका बॉन्ड किसके साथ सबसे मतलब बेहतर था, और मतलब आप खुद एंजॉय कर रहे थे उनकी कंपनी, कौन यार होंगे? सबके, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ सबके साथ एक्सेप्ट द टू पीपल, शिल्पा एंड आसिम। आसिम के साथ मुझे तो ज्यादा समय मिला ही नहीं, वो और शिल्पा स्टार्टिंग जी में के साथ आया तो और चला सीनियर गया। जूनियर शिल्पा से वाला, तो लड़ाई हुई मेरी 2-3 बार, सीनियर जूनियर वाला तो सीन भी हाँ बता सीनियर जूनियर दो वाला सीन हुआ। प्लस आप। शी हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ, शी हैज अ डिफरेंट मेंटल गेम, आई फैक्ट हैव अ फैक्ट डिफरेंट मेंटल, सो आई रिस्पेक्ट दैट। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, बट मैंने चिल बाकी 10ों के साथ किया है। 10ों के साथ मैंने उनकी कंपनी एंजॉय करी है। एवरीबडी आई हैड फन विद। और एक एक नाम और सामने आ रहा है, मतलब दो नाम है। यूजुअली बहुत सारे लोग इस बार बिग बॉस के गए, लेकिन ये खबरें सामने आ रही थी और अभी भी ये बातें ऑन राउंड्स है कि शालीन और अभिषेक को बहुत ज्यादा फेवर किया जा रहा है, जबकि अभिषेक भाई सिर्फ एक ही चीज करना जानते हैं, हर जगह पे लड़ना। और अभिषेक हाँ भाई शायद अभी तक अपने बिग बॉस वाले एरा से बाहर ही नहीं आ पाए, तो ये भी बातें हो रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको इस बारे में कि यार सच इस में ऐसा बात कुछ पे है? तो सबने ही शो में ही एग्री कर लिया, तो मेरे बोलने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। शो में ही सब लोग बोल रहे हैं, बहुत ही क्लियरली एविडेंटली बोल रहे हैं कि फेवर किया जा रहा है, स्टंट नहीं कर रहा है, कभी लकी है कभी स्टंट कर भी रहा है। बट आई फील देखो अभिषेक अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, और अगर आज उसे किसी चीज का बेनिफिट मिल रहा है तो आई थिंक कोई भी उसकी जगह पे होगा वो इंसान वो बेनिफिट उठाएगा। ठीक है, ये बातें बोलनी बहुत आसान होती हैं कि अरे इसको बेनिफिट हो रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है, इसको ये हो रहा है, मगर जब आप क्योंकि और आप और ये वाली बातें भी पता है, अगर आप स्पेशली मैं बोलूंगा ये वाली बातें भी वो दो दो ही तरीके के इंसान बोलते हैं। एक वो जो जिसको बेनिफिट हो रहा है उसके जूतों में आना चाहता है, पहला वो, ठीक है हाँ ठीक है, और दूसरा वो जिसको लग रहा है कि ये बहुत अनफेयर हो रहा है वो आवाज उठाता है लिटरली। ठीक है, क्योंकि पता है कई बार ना जुनून से लड़ाई नहीं जीती जाती, कई बार लड़ाई ना थोड़ा दिमाग यूज करके भी जीती जाती है, क्योंकि आप हर 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 बैटल में नहीं घुस के बोलते कि मैं शेर हूं लड़ो मुझसे मैं ही जीतूंगा। कितनी बार जीत जाएगा, एक बार तो हारेगा ना भाई, है सही बात है। ना, एक बार तो हारेगा। तो इन द शो आई ऑलवेज चोज किया, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज दैट्स लाइफ, लाइफ इज नॉट फेयर ना। तो अगर आज किसी और को फेवरिज्म मिल रहा है नहीं मिल रहा है जो भी है, दैट इज नॉट माई लुकआउट। मेरा क्या काम है, मेरा काम है शिद्दत से इस शो में अपना बेस्ट देना। एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, ऑडियंस जो है वो आपको टॉप थ्री में देख रही थी, मतलब जनरली लोगों ने माना था कि भाई खेल रहा है, ऊपर से काम कम पोस्ट भी है तो जाएगा टॉप थ्री में पक्का है, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई कि भाई नहीं हो पाया यहाँ पे, क्या लगता है आपको? शायद मैं फेवरेट नहीं था किसी का, फेवरेट होता तो हो जाता। समझ शायद गया मैं मैं। इसलिए आपके लिए फेवरेट होता तो खतरों का होगा। सबसे बेस्ट मोमेंट क्या होगा? आपका आपके लिए सबसे खतरों का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या होगा? मेरे लिए खतरों का बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था मेरा एग्जिट, कि वो बहुत रियल था।
सब लोगों ने मुझे दिल से आके हक करा, रोहित सर ने जो बात बोली उन्होंने दिल से बोली, आई कुड फील इट, आई वॉज वेरी मच रियल एंड प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, एंड आई कुड सी सारे के सारे कैमरामैन पीछे फीलिंग बैड अबाउट इट. सो दैट वॉज माई बेस्ट मोमेंट, दैट वॉज माई विक्ट्री मोमेंट इन साइड माई हार्ट, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज वेन आई वॉकड आउट ऑफ इट एवरीबडी केम अप टू मी, दे वर क्राइंग. कितना होता है यार, ऐसा नहीं होता है. आई एम ब्लेस्ड. वन, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंट. टू, जब पहली बार सर ने मुझे केदार आशीष मेहरोत्रा बोला, वो रोप वाले स्टंट के बाद जब वो मैं जीत के नीचे आया, पर वो भी ना ऐसा फील नहीं हुआ भाई, समझ रहे? कुछ ऐसा हो जाता है कई हाँ बार कि आप जीत जाते हो मगर आपको जीत फील नहीं होती. कई बार, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, यू नो ना. पर मैं दिल से बोलूंगा कि मेरे लिए बेस्ट मोमेंट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल वर्थ, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ग्राउंड्स, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट लव, जिसके लिए मैं उस शो में गया था, वॉज माई एलिमिनेशन, द डे ऑफ माई और एलिमिनेशन. मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके क्या फर्दर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और क्या कुछ है जो आप शेयर करना चाहेंगे। यार अभी एट प्रेजेंट आई एम मेजरली फोकसिंग ऑन स्टेज इवेंट्स. मैं अभी स्टेज इवेंट्स कर रहा हूँ. या आई एम डूइंग क्या एंकरिंग, आई एम बात। डूइंग ऑक्शनिंग. आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक पंपिंग अप द एनर्जी, आई लव स्टेज, आई लाइक गिविंग देम अ हग, टेलिंग देम यस वी कैन डू इट. एंड वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मुझे मुझे लोगों के हैप्पी मोमेंट्स को और हैप्पी करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं उसका जरिया बन जाता हूँ, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, मुझे लगता है. और तो लास्टली अपने फैंस को और जो भी लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यार थैंक यू सो मच. मैं आप सबका लाडला बना, आप सबसे इतना प्यार लिया मैंने अनुपमा में, उसके बाद खतरों में एज अ ह्यूमन आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया. आज भी आप लोगों के मैसेजेस मैं इंस्टा पे देखता रहता हूँ. आई हैव दो स्क्रीनशॉट्स विद मी, आई कीप देम विद मी, एंड क्योंकि हर एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, सो आई ऑलवेज कीप इट बिल्कुल विद मी. या एंड बस यार मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो, एंड मैं इस काम को और इससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं इसमें और अच्छा करूंगा, और आप सबको बहुत 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 प्राउड फील कराऊंगा, आई एम श्योर. थैंक यू सो मच आशीष भाई। एंड थैंक आई यू. रियली विश टच वुड, मैं ये माँ बाबा से कृपा करूंगा, महादेव जैसे, कि आपकी जो भी इच्छाएं और जो भी चीज आप चाहते हो वो आपको मिले, आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो। बिकॉज एक चीज मैंने आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बात बोली कि मुझे पता है कि मेरे वॉन्ट्स और डिजायर्स क्या है, क्या चीज मेरे को चाहिए और क्या चीज मैं चाहता हूं। तो मैं दुआ करूंगा कि जो भी चीज आप जिंदगी में चाहो वो आपको मिले, और आप और आपके साथ साथ आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और स्वस्थ रहे, और थैंक यू, थैंक जो भी चीज आप बहुत तरक्की करो हमेशा। ये मेरी तरफ यू, से सारी दुआएं हैं, और बहुत थैंक बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और खास करके इतना ज्यादा समय देने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी जब सेलिब्रिटी से बात होती है भाई, 2 मिनट का वाइट लेना खत्म कर, बट हाँ. आपने जिस तरीके से बात की दैट वॉज वेरी फेमिलियर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच, थैंक और यू सो बहुत मच, सारा प्यार भाई। थैंक यू थैंक सो मच, मीन्स यू अ लॉट। सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी टू. थैंक यू. बाय बाय बाय.